हर एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर ये जानना चाहता है कि उसका जीवन जो है वो कैसा चलेगा, क्या उसको सेहत सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उसको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादीशुदा जिंदगी जो है वो कैसी रहेगी, वो प्रॉपर्टी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, वो विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, उसको कोई परेशानी तो नहीं आएगी। हर एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर ये जानना चाहता है कि उसका जीवन जो है वो कैसा चलेगा, क्या उसको सेहत सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उसको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उसका दाम्पत्य जीवन यानी कि शादीशुदा जिंदगी जो है वो कैसी रहेगी, वो प्रॉपर्टी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, वो विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, उसको कोई परेशानी तो नहीं आएगी। ये हर एक प्रश्न का उत्तर ना अकल्ट साइंसेज में से एक बहुत खूबसूरत साइंस जिसको हम कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, हर एक प्रश्न का उत्तर जो है वो देता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं ज्योतिष क्या है, वो कैसे काम करती है, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है। ज्योतिष शब्द जो है ना वो दो शब्दों के मिलन से बना है। पहला शब्द है ज्योति और दूसरा शब्द है ईशा। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश यानी कि लाइट और ईशा यानी कि ईश्वरीय। ये वो साइंस है जो ईश्वरीय प्रकाश के रूप में हमारे पास है, जो जन्म के समय ये डिसाइड कर देती है कि हमारा जीवन कैसे रहेगा। अगर कोई उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसका गैप है, पर ये साइंस हर एक सेकंड आपकी लाइफ का कैसा रहेगा इसको बताने में पूर्णता से सक्षम है। तो ज्योतिष विज्ञान क्या हो गया, एक ऐसी सी साइंस जो कि ईश्वरीय प्रकाश के रूप में काम करती है और आपका पूरा जीवन किस तरीके से रहेगा इसको बताने में सक्षम है। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष का पहला स्तंभ यानी कि पहला पिलर, जिसको हम क्या कहते हैं, 12 भाव 12 हाउसेस, और मैं उसको कहता हूं 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। क्यों मैं इसको 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ कहता हूं, तो इसको समझिए। सबसे पहले एक व्यक्ति अगर सुबह उठता है तो नहाता है, धोता है, पूजा पाठ करता है, सब किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। फिर वो कभी बेटा बन के माँ बाप का ध्यान रखता है, कभी माता पिता बन करके अपने बच्चों का ध्यान रखा जाता है, कभी भाई बहन बन के भाई बहनों का ध्यान रखा जाता है, कभी हस्बैंड या वाइफ बन के अपने पार्टनर का ध्यान रखा जाता है, कभी दुकान पे जाता है क्लाइंट के साथ डील करता है, कभी किसी का क्लाइंट बन जाता है। तो क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक आप अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो निभा रहे हैं। तो ज्योतिष विज्ञान ये बताता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स निभाते हुए आपको किस करेक्टर के अंदर डिफिकल्टी आएगी। क्या एज ऑफ पेरेंट आपके साथ चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या एज ऑफ हस्बैंड या वाइफ आपके साथ चैलेंज रहने वाले हैं, क्या एज ऑफ बिजनेसमैन आपके साथ चैलेंज रहने वाले हैं, या एज ऑफ क्लाइंट आपके साथ चैलेंज रहने वाले हैं। किस तरह से जिंदगी के हर वर्टिकल को जाना जाए, ये साइंस ना हर एक बात का उत्तर देती है। तो इसका जो पहला पिलर है ना, वो जान लिया ना तो आपको समझ में आएगा ये 12 हाउसेस क्या है, ये अलग अलग हाउसेस किस किस वर्टिकल को बताते हैं यानी कि किस किस कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं, शुरुआत करते हैं ज्योतिष के अंदर 12 भावों को जानने से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले खाना नंबर 1 के बारे में। इसको कहा जाता है लग्न। लग्न यानी कि पहला घर, इसको असेंडेंट भी बोला जाता है। ये किसके बारे में है, ये आपके बारे में बताता है। क्या बताता है आपके बारे में, आपकी सेहत जो है ना वो जिंदगी भर कैसी रहेगी उसके बारे में बताता है, आपका मेंटल लेवल कैसा है उसके बारे में बताता है, दुनिया आपको कैसे देखती है उसके बारे में बताता है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, एक्चुअल में आप कैसे हैं उसके बारे में पूर्णता से खाना नंबर 1 बताता है। तो आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आती है ना, जब आपको लगता है कि मेरे साथ ही इतनी डिफिकल्टीज क्यों, बाकी दुनिया भी काम करती है पर मेरे को क्यों इतनी बॉदरेशन होती है, तो उसके लिए हमेशा खाना नंबर 1 को ध्यान में रखा जाता है। तो खाना नंबर 2 क्या बताता है, खाना नंबर 2 ये बताता है यानी कि बॉक्स नंबर 2 ये बताता है कि जिंदगी में आपने किन किन चीजों को जोड़े रखा है। तो आदमी जिंदगी के अंदर किन किन चीजों को जोड़ता है, सबसे पहले आदमी रिश्तों को जोड़ता है। तो ये भावना यानी कि ये हाउस ना किसको बताता है, ये आपके पारिवारिक सुख को भी बताता है। वो पारिवारिक सुख जो हम जोड़े रखते हैं एक दूसरे को, वो जब भी कभी बिखरता है ना तो जिंदगी के अंदर तकलीफें आती हैं। तो ये भाव क्या बताएगा कि आपको पारिवारिक सुख कैसा मिलेगा, क्या परिवार का साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आप ही वो होंगे जो पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे, क्या पूरे परिवार को आपका ध्यान रखना पड़ेगा,
क्या परिवार के अंदर झगड़े रहेंगे, क्या परिवार जो है बहुत अच्छा मिलेगा या परिवार बहुत गरीब मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा उसके बारे में बताता है। ये भावना आपके जुड़े हुए धन के बारे में भी है। आप जिंदगी के अंदर कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, हर एक काम करने के बाद एक आदमी की कोशिश होती है पैसे को जोड़ना, तो ये ना आपके जुड़े हुए धन को भी बताता है। तो आदमी की जिंदगी में जुड़ा हुआ धन कैसे देखा जाता है? जुड़ा हुआ धन जो है वो देखा जाता है FDs के रूप में, गहनों के रूप में, आपने कोई एसेट बनाया उसके रूप में, तो पिगी बैंक भी मान लीजिए आप इसको, आप इसका अपना वॉलेट भी मान लीजिए जहां पे आप पैसे जोड़ करके रखते हैं। हर वो चीज जहां पर आप पैसे जोड़ करके रखते हैं ये दूसरा भाव बताता है। तो यानी कि किसका है? जुड़े हुए धन का भी है। और ये भाव किसका है? ये भाव है आपकी मेमोरी का। जो बचपन से लेकर के आज तक आपने याद किया ना, क्या वो आपके दिमाग में स्टोर है कि नहीं है? क्या आप भूल तो नहीं जाते? जो आपने पढ़ा कहीं याद रखने में दिक्कत तो नहीं आती? तो ये खाना नंबर 2 के दुष्प्रभाव है। आपकी वाणी का भी है ये घर। आप कितने सत्य वचन बोलेंगे या आप झूठ बोलेंगे जिंदगी के अंदर, ये उसके बारे में भी बताता है। तो दूसरा भाव आपकी जुड़ी हुई हर चीज के बारे में बताता है। खाना नंबर जो 3 है ना, ये बताता है एक व्यक्ति लोगों के साथ मिलेगा कैसे। वो व्यक्ति लोगों के साथ मिलेगा तो उसके संबंध कैसे लोगों के साथ रहेंगे, ये पड़ोसियों को भी बताता है, ये छोटी छोटी यात्राओं को भी बताता है, जब आप घर से निकलते हैं किसी काम को तो ये तीसरा भाव उसको भी बताता है। ये आपके पराक्रम को बताता है कि जिंदगी के अंदर आपके अंदर करेज कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, आप किसी सिचुएशन से घबराते तो नहीं या सिचुएशन का डट के सामना करते हैं, तीसरा भाव उसके बारे में भी बताता है। तीसरा भाव ना आपके व्यापार स्थान में जो ट्रेडिंग है ना उसके बारे में भी बताता है। चौथा भाव यानी कि 4th हाउस कुंडली के अंदर माँ के सुख को बताता है। माँ का सुख एक व्यक्ति को कैसा मिलेगा? क्या माँ बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी? क्या बच्चे की माँ से जुड़ी हुई कोई परेशानियां सामने नजर में आएंगी? माँ मतलब माँ भूमि भी हो गया, तो इसका मतलब भूमि से जुड़े हुए सुख भी जो हैं वो भी इसी भाव पे देखे जाएंगे। यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज बनेंगी कि नहीं बनेंगी ये भी इसी भाव से देखा जाएगा। आपकी शिक्षा जो है यानी कि जैसे माँ बच्चे को सिखाती है ना बचपन में क्या सही है क्या गलत है, तो वो क्या है? प्राइम एजुकेशन यानी कि पहली गुरु जो है ना वो माँ होती है, तो इसीलिए प्राइम एजुकेशन को भी इसी भाव से देखा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा को भी बताएगा, आपकी मदर को भी बताएगा, आपकी मदरलैंड को भी बताएगा, आपकी प्रॉपर्टीज को भी बताएगा चौथा भाव, आपकी गाड़ी के सुख को भी बताएगा चौथा भाव। पंचम भाव जो है ना 5th हाउस, ये 5th हाउस है हैप्पीनेस का, खुशियों का, आपकी हीलिंग का। अगर आपके ऊपर कोई रोग आता है तो क्या आप ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये पंचम भाव बताएगा। आपकी जिंदगी के अंदर बच्चे का सुख कैसा है, क्या बच्चे आपको कष्ट देंगे या बच्चे होने के बाद भी कई बार बच्चे साथ नहीं रहते, ये सारी चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। या बच्चे किस तरीके से पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव ना आपकी मौज मस्ती का भी है, आपके लव अफेयर्स का भी है, आपकी लव लाइफ के बारे में भी बताएगा और साथ साथ में आपके एंटरटेनमेंट के सोर्स को भी बताएगा। आप कितना फन लविंग हैं, क्या आप पार्क जाना पसंद करते हैं, क्या आप एम्यूजमेंट पार्क जाना पसंद करते हैं, क्या आप मूवी देखना पसंद करते हैं, क्या आप छुट्टियों में घूमना पसंद करते हैं, ये सारी बातें ना पंचम भाव बता देता है और ये बताता है कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं। छठा भाव जिंदगी के अंदर किसको बताता है? छठा भाव वो पहला भाव है जिसके बारे में ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा डरा दिया जाता है लोगों को, ये कह करके कि ये भाव जो है ना केवल और केवल रोग देता है, रुकावट देता है, बाधाएं देता है। पर ये वो भाव है जो आपकी जिंदगी में ना सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा कैसे उसको सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये 7वें भाव से ना 12वां भाव हो जाता है, 12वां भाव हो जाता है खर्च का और 7वां भाव है आपके क्लाइंट का। तो ये क्लाइंट के खर्च का हो गया मतलब आपकी इनकम का हो गया। तो छठा भाव क्या बताएगा कि आपके पास पैसा आने में कहीं अटकाव तो नहीं है। छठा भाव रोगों को भी बताता है यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कब कब किस किस तरह से रोग आएंगे, क्या वो रोग ठीक होने वाले हैं, क्या वो रोग कहीं क्रॉनिक तो नहीं, आपके हर तरह के रोग को बताएगा। और रोग को ना लोन के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंकि लोन भी ना रोग जैसे होते हैं। जब भी कभी एक व्यक्ति लोन ले लेता है तो वो रोग की तरह एक व्यक्ति को लग जाते हैं और उस पर फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए लोन्स का घर जो है वो भी छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव ना आपके आपके पार्टनर से सेपरेशन को भी बताता है। 7वां भाव कुंडली के अंदर ये हर उस शख्स को बताएगा जिससे आप मिलते हैं।
तो ये आपके पार्टनर को भी बताएगा, यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर को भी, लाइफ पार्टनर को भी, आपके क्लाइंट्स को भी, जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डोमेन में आप जब जाते हैं, आपके सामने जितनी भी पब्लिक है, ये सेवंथ हाउस ना उसके बारे में बताएगा। तो यानी कि हर वो व्यक्ति जिससे आप सुबह से शाम तक मिलते हैं, सातवां भाव उसके बारे में बताता है। वैवाहिक सुख भी कैसा रहेगा एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, ये भी सातवें भाव से देखा जाता है। क्या किसी व्यक्ति को बिजनेस करते हुए पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी सातवें भाव से देखा जाता है। आठवां भाव जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आदमी को कब होते हैं, जैसे लॉटरी का लग जाना, आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाना, घड़ा हुआ धन कहीं से मिल जाना, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव के साथ जुड़ी हुई हैं। अष्टम भाव ना ओकल्ट साइंसेस को भी बताता है, और अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड पेन्स को भी बताता है। पेन्स कैसी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड, कहीं आग लग जाना, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, आपकी लाइफ के साथ ट्रेजेडीज जुड़ी हुई, जो जैसे कि एक्सीडेंट, उसको भी बताता है। तो कलेक्टिवली ये भाव किसका है, ये भावना अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है, जो कि अचानक होते हैं, आपको जिंदगी में उसका पता नहीं होता, आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जब लॉटरी लगती है अचानक लगती है, जब कोई ट्रेजेडी होती है वो भी अचानक होती है। तो दोनों चीजें ये बताता है अष्टम भाव। और एक चीज को ये बताता है, ये आपके ससुराल पक्ष को भी बताता है, ससुराल पक्ष के साथ आपकी कैसी रहेगी जीवन भर, उसको भी अष्टम भाव जो है बताता है। नवम भाव जो है ना कुंडली के अंदर, यानी कि नाइन्थ हाउस, ये आपके पिता के बारे में बताता है, यानी कि पिता का सुख कैसा रहेगा आपको जीवन के अंदर। क्या पिता आपके साथ सपोर्ट बन करके जिंदगी भर खड़े रहेंगे, क्या आप पिता के काम को ही संभालेंगे, वो डिजीज जो आप डीएनए में कैरी करते हैं, नवम भाव से देखी जाती है। क्या पितृदोष है या नहीं है, ये भी नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव आपकी पूजा आराधना उपासना के साथ जुड़ा है। नवम भाव भाग्य का भी स्थान है, कि आपका जिंदगी में भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा, आप जब भी कोई काम करेंगे क्या वो इजी गोइंग में हो जाएगा, ये नवम भाव बताएगा। नवम भाव आपके गुरुओं को भी बताता है। टेंथ हाउस यानी कि कर्म स्थान, दसवां घर ना आपकी जिंदगी में यशमान कीर्ति कितनी है, कोई काम करने के बाद क्या आपका नाम आता है आगे के नहीं आता, उसको बताता है। दसवां भावना आपके कर्म के साथ जुड़ा है, तो ये बताता है कि आपका कर्म कैसा होगा, क्या आप कर्महीन होंगे या कर्मवान होंगे, क्या आप बिजनेस करेंगे, क्या आप सर्विसेज के अंदर जाएंगे, ये सारी बातें ना दसवां घर बताता है। तो ये बता देता है व्यापार स्थान पर कैसी दिक्कतें आएंगी, व्यापार स्थान पर पैसा अटकेगा कि नहीं अटकेगा, आप कैसा व्यापार करें उसके बारे में भी टेंथ हाउस बताता है। ग्यारहवां भाव जो है ना, ये भाव है आपके मित्रों का, आपके मित्र कैसे होंगे, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ मिलता है सातवें भाव से, क्या वो आपके साथ मैत्री भाव रखता है कि नहीं रखता, ये ग्यारहवां भाव बताएगा। क्या वो किसी उद्देश्य से तो नहीं मिलता आपके साथ, ये ग्यारहवां भाव बताएगा। जिंदगी के अंदर हर तरह के लाभ जो है ना, वो ग्यारहवें भाव से भी देखे जाते हैं, पर साथ ही साथ में छोटी छोटी बीमारियां भी देखी जाती हैं, यानी कि खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो छोटी बीमारियां जो है ना वो ग्यारहवें भाव से भी देखी जाती हैं। पर ग्यारहवां भाव ये जरूर बताता है कि आपको फायदा कितना होगा किसी भी काम से। तो आपका अगर ग्यारहवां भाव अच्छा है ना, तो जिंदगी के अंदर जिस भी काम में हाथ डालोगे वो फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर ग्यारहवां भाव नहीं अच्छा ना, तो आपको हर काम के अंदर रुकावट आएगी। बारहवां भाव कुंडली के अंदर बताता है आपकी आइसोलेशन को। तो आइसोलेट एक आदमी कब हो जाता है, आइसोलेट एक आदमी हो जाता है जब वो हॉस्पिटलाइज हो, जब वो जेल के अंदर हो, जब वो विदेश में कहीं गया हो, या जब वो सोया हुआ हो, या जब वो मेडिटेशन के अंदर हो, ये सारी सिचुएशन के अंदर ना एक आदमी क्या हो रहा है, आइसोलेट हो जा रहा है। तो आइसोलेशन का मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के साथ भी जुड़ गया, यानी कि आप जिंदगी के अंदर हॉस्पिटलाइज होंगे कि नहीं होंगे, आप जिंदगी के अंदर विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपकी नींद जो है, क्योंकि वो भी आइसोलेशन के साथ जुड़ी है, वो भी इसी भाव के साथ देखी जाएगी। आपका विदेश जाने का सपना जो है वो इसी भाव के साथ देखा जाएगा। आपके खर्च जो हैं वो क्या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या आपके खर्च जो हैं अनवांटेड चीज़ों पे हो रहे हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ना बारहवें भाव से देखी जाती हैं। तो बारहवां भाव किसको बताता है, आपके एफर्ट्स क्या वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें ना बारहवें भाव से देखी जाती हैं। तो ये 12 के 12 भाव ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ हैं। आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप इन 12 भावों में से जो हमने बातें करी किसी एक भाव के अंदर अगर अटके हैं, तो इसका मतलब वो खाना नंबर ना आपको जानना है और समझना है कि क्यों आपको एक पर्टिकुलर लाइफ के इस चैप्टर के अंदर ही प्रॉब्लम है। जैसे कि पंचम भाव मैंने बोला बच्चों का भाव है, और यहाँ पर शनि की राशि होना,
शनि की दृष्टि होना, शनि खुद यहाँ बैठा होना किसको बताता है? क्योंकि शनि डिलेस का कारक है तो संतान सुख होने में कहीं विलंब होता है। अगर यही शनि सातवें भाव में चले जाएंगे शादी के भाव में तो शादी के सुख में देरी बताएगा। बुध आपके इंटेलिजेंस का है, अगर पहले हाउस में होगा तो आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, पंचम भाव में होगा तो बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, अष्टम भाव में होगा ना तो आपकी बुद्धि ना थोड़ी नटखटी सी होगी, बारहवें भाव में होगी तो आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, अगर फर्स्ट हाउस में है यानी कि लग्न में हो गया तो यानी कि आप भावुक होंगे। चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो आपका मन ना हमेशा घबराहट में रहेगा। चंद्रमा अगर 10th हाउस में है तो आप अपने काम को बदलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना ग्रहों के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत खूबसूरती से देखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए राशियाँ कैसे काम करती हैं, इसके अंदर दृष्टियाँ कैसे काम करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाऊं। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपके प्रश्नों के उत्तर डायरेक्टली आप लोगों को दे पाऊं। मुंबई आ रहा हूं जल्दी आप लोगों के बीच न्यूमरोलॉजी का सेमिनार लेकर के। आप लोग यदि उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। इसी आशा के साथ कि जल्द ही आप लोगों के साथ पुणे से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।